निशिकांत कामत हिंदी और मराठी सिनेमा का वह नाम जिसे हमने जल्द ही खो दिया, एक ऐसा सितारा जिसकी चमक शायद ही कभी कम हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के उस फिल्मकार की जिसने कभी मुंबई मेरी जान से अचंभित किया तो कभी मदारी जैसे फिल्मों से दर्शकों को कायल किया। बात जब हिंदी सिनेमा की हो और सिनेमाई अंदाज की, निशिकांत कामत को हमेशा उनकी अलहदा फिल्मों के लिए जाना जाएगा। उनकी फिल्मों को बार बार नज़ीर की तरह पेश किया जाएगा। उनकी फिल्म शैली, सिनेमाई क्राफ्ट का जिक्र हर समय फिल्मी पंडितों को अचंभित करता रहेगा। निशिकांत कामत का जन्म आज के दिन यानी 17 जून सन 1970 में दादर महाराष्ट्र में हुआ। अपनी फिल्म डोंबिवली फास्ट से ही ये खासा चर्चा में रहे, जो 2005 की सबसे बड़ी मराठी फिल्म साबित हुई। अभी कुछ समय पहले तक दृश्यम के बारे में खूब चर्चा हो रही थी, एक ऐसी फिल्म जिसने भारतीय दर्शकों की सोचने समझने का नजरिया बदल दिया, एक ऐसी फिल्म जिसने न सिर्फ आलोचकों को अपनी ओर आकर्षित किया बल्कि बाजार में भी अपनी अलग पहचान छोड़ने में सफल रही। निशिकांत कामत को लीक से हटकर काम करने के लिए भी जाना जाता है। उनका सिनेमाई रूप कहानी किरदार और छोटे छोटे दृश्यों में गुथी हुई माला की तरह है। डायरेक्शन के अलावा अभिनय में भी उन्होंने खूब चर्चा बटोरा। अपने किरदारों को सिनेमाई पर्दे पर जिस तरह उन्होंने उकेरा है वह वाकई लाजवाब है। कामत तो बस 50 साल की उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनकी बनाई हुई फिल्मों ने उन्हें अमर कर दिया है। निशिकांत की सोच, उनका समाज के प्रति विजन उनकी फिल्मों में दिखता है। किस तरह एक आम आदमी सोचता है, कैसे वो दुश्वारियों से लड़ता हुआ अपने जीवन में आगे बढ़ता है, ऐसे विषयों को न केवल उन्होंने अपनी फिल्मों में उठाया बल्कि उसका सफलतापूर्वक फिल्मांकन भी किया। निशिकांत की 3 फिल्में जिसे देखा जाना चाहिए, मदारी 2016, सिस्टम की झोल और करप्शन की मार झेलता एक आम आदमी जब किसी अपने को एक हादसे में खो देता है तो उसके अंदर का आक्रोश कितना खतरनाक हो सकता है, ये इस फिल्म के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है। फिल्म को लोगों ने खूब पसंद किया था। फिल्म में इरफान खान एक कॉमन मैन की भूमिका में रहते हैं जो एक हादसे में अपने बेटे को खोने के बाद बेकाबू हो जाते हैं। वे एक बड़े मंत्री के बेटे को किडनैप कर लेते हैं और समाज के सामने भ्रष्ट नेता की सच्चाई लाने के लिए चाल चलते हैं। उसी के इर्द गिर्द फिल्म की पूरी कहानी को फिल्माया गया है। फिल्म में इरफान खान के शानदार अभिनय की सभी ने तारीफ की और इसके गानों को भी खूब पसंद किया गया। दृश्यम 2015, अजय देवगन की इस फिल्म को भला कौन भूल सकता है। सस्पेंस का रोलर कोस्टर ये फिल्म आज भी लोग बड़े चाव से देखना पसंद करते हैं। फिल्म में अजय देवगन और तब्बू के बीच टक्कर देखने को मिली थी। इसकी कहानी को काफी पसंद किया गया था। फिल्म में तनुश्री दत्ता की छोटी बहन इशिता दत्ता भी अहम रोल में नजर आई थी। इसको काफी अच्छी रेटिंग्स भी मिली थी और इसके गानों को भी काफी पसंद किया गया था। मुंबई मेरी जान, साल 2008 में आई इस फिल्म में दिखाया गया था कि कैसे एक बम ब्लास्ट का असर आम नागरिकों पर होता है, कैसे कुछ नापाक गुटों द्वारा रची साजिश का शिकार मासूम जनता हो जाती है और किस तरह से हिंदू मुस्लिम के बीच में भेद पैदा होता है, किस तरह एक इंसान ही दूसरे मजहब के इंसान को नादानी में अपना दुश्मन मान बैठता है और भेदभाव ऊंच नीच की भावना मन में जाग जाती है। कहानी में कई सारे दृष्टिकोणों को एक साथ बड़ी खूबसूरती से पिरोया गया था और जीवन की कड़वी सच्चाई को दिखाया गया था। फिल्म में के मेनन, इरफान खान, आर माधवन, सोहा अली खान और परेश रावल ने शानदार एक्टिंग की थी और इस फिल्म ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई थी। कोरोना काल में यानी 17 अगस्त 2020 को निशिकांत कामत ने दुनिया को अलविदा कह दिया और इसी के साथ हमने एक और सितारा खो दिया। अपने शब्दों के अंततः मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि इसी प्रकार के श्रेष्ठ व्यक्तित्वों की जीवन गाथाएं सुनने के लिए सुनते रहिए महाखबर पॉडकास्ट। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।